Hi friends, this is NK Rao from General Study. Don't mug up, try to build a professional and logical study. तो इस वीडियो का हम लोग आज टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का और व्यू का भी। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 में देखिए क्या है जी, 52 में क्वेश्चन बोला है बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब बल की दिशा विस्थापन की देश देश में होती है। देखिए धनात्मक लेना है, देखिए तो वर्क बराबर क्या होता है जी, वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा धनात्मक लाना है, धनात्मक लाना है। देखिए एफ हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मान लीजिए एफ उधर लग रहा है, एस इधर लग रहा है, उसके बीच का एंगल क्या है, उसके बीच का अगर एंगल देखिए तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है जी, कॉस थीटा की वैल्यू देखा जाए तो क्या होता है, जीरो से लेकर 90 तक क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है। तो कॉस थीटा क्या रहेगा, जीरो से पॉजिटिव रहेगा। जैसे ही देखिए कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, जब 180 से जब क्रॉस करता है, यानी जब इसका वैल्यू 90 से जब आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो अगर विपरीत हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव रहेगा। ये क्या रहेगा, विपरीत निगेटिव रहेगा। यानी यहाँ वैल्यू क्या होता है, अगर 90 डिग्री से बात की जाए 180 डिग्री के बीच में, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। तो विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा जी, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है जी आपको, अगर 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच रहेगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो 90 डिग्री से छोटा रहेगा तो क्या रहेगा, तो उसी दिशा में रहेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी जीरो से 90 के बीच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जीरो से 90 में यानी उसी दिशा में रहेगा तो क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, चलिए जी। तो क्वेश्चन नंबर 52 का क्या हो जाएगा मेरे पास आंसर, तो 52 का आंसर बी हो जाएगा, दिशा में उसी दिशा में होना चाहिए जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोल रहा है जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। देखिए तो गतिज ऊर्जा, देखिए मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये फॉर्मूला याद रखिए। तो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या है, स्थितिज ऊर्जा ये क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। तो गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं उसको। ठीक है जी, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं, बोला है यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग P है, M है, तो P M पदों में गतिज ऊर्जा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, P स्क्वायर अपॉन 2M, जहां P क्या है जी, संवेग है, M क्या है, मास है, K क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी है। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो P स्क्वायर अपॉन 2M, P क्या है जी, मोमेंटम है, M क्या है, मास है, काइनेटिक एनर्जी है। तो ये बोला है गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, तो P स्क्वायर अपॉन 2M, P स्क्वायर अपॉन 2M क्या है, डी में है। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, 54 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं जी। 55 में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जब एक पिंड किसी अनंत ताल से लुढ़कता है तो उसके पास रहती है केवल गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दोनों गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। देखिए अगर अनंत ताल से अगर लौटती, ताल से लुढ़कती है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसके पास क्या हो जाएगा जी, वेलोसिटी भी होगा, वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा, तो वेलोसिटी होगा। और मान लीजिए अनंत हाइट पे है, तो हाइट पे जब है तो हाइट, मान लीजिए अनंत पे है तो हाइट पे है ना जी, तो उसका कुछ ना कुछ हाइट होगा। तो हाइट की वजह से क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी आता है, यानी स्थितिज ऊर्जा आती है। और इसको जो वेलोसिटी है, अनंत से चल रहा है तो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कैसे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, यानी क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा भी हो जाएगा, तो उसके पास दोनों ऊर्जा रहेगी। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं जी। 56 में बोला किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है जी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब बोला उसका वेग क्या करेगा जी, आधा कीजिएगा, तो वेग आधा कीजिएगा तो आधा का स्क्वायर करना पड़ेगा, आधा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 1/4 हो जाएगा। यानी देखिए हाफ एम वी स्क्वायर होता है वेलोसिटी, आधा करना यानी आधा का हर स्क्वायर करेंगे तो आधा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4, यानी जो भी गतिज ऊर्जा होगा उसका क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/4, तो कितना आ जाएगा डी। 56 का आंसर क्या हो जाएगा जी, तो हमारे पास 56 का आंसर डी हो जाएगा। यहां से देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है। ये बोला एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, बोला है एक हल्का एक भारी पिंड का गतिज ऊर्जा समान, यानी क्या है जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है जी, बराबर है, यानी हाफ एम वन वी वन स्क्वायर बराबर क्या है जी, हाफ एम वन वी स्क्वायर, ए वन का है और हाफ एम टू और वी टू स्क्वायर। तो ये दूसरे वाले का, ये पहले वाले का है, दूसरे वाले का है। तो चलिए इसमें बता दें, बोला किसका संवेग अधिक होगा। तो चलिए जी अब ये बोल रहा है कि कोई ना कोई तो भारी है, तो चलिए निकाल लेते हैं जी इसमें, ठीक है ना, कोई ना तो कोई निकाल लेते हैं, एम वन ग्रेटर देन एम टू, ठीक है जी, एम वन ग्रेटर देन एम टू निकाल लेते हैं। तो चलिए जी इसमें बात करते हैं, तो किसका संवेग अधिक है, तो अगर मान लीजिए एम वन बड़ा है तो हाफ से हाफ कट गया जी, एम वन बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वी वन कम होगा, वी वन लेस देन होगा वी टू से, ये लेस देन है। तो अब देखिए अब इसका संवेग किसका अधिक होता है, संवेग क्या होता है जी, यानी
अच्छा जी, तो इस वाले फॉर्मूले से बनाते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ काइनेटिक पी स्क्वायर अपॉन टू एम, पी स्क्वायर अपॉन टू एम, ठीक है जी। तो बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी दोनों का बराबर है, काइनेटिक एनर्जी दोनों का क्या है जी, बराबर है। तो यानी पी वन स्क्वायर अपॉन टू एम वन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी टू स्क्वायर अपॉन टू एम टू स्क्वायर, ये दोनों इसका काइनेटिक एनर्जी इसका काइनेटिक एनर्जी बराबर है। अब बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी समान है, उसका संवेग अधिक है। तो देखिए अब जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास अगर ज्यादा होगा, अगर मान लीजिए जिसका मास ज्यादा है तो क्या हो जाएगा जी, इसका मास ज्यादा है और काइनेटिक एनर्जी सेम है, इसका मास ज्यादा है संवेग अधिक होगा, चलिए जी ऐसे नहीं। तो इस काइनेटिक एनर्जी बराबर लिखिए पी स्क्वायर अपॉन टू एम, तो हमको मोमेंटम के बारे में करना है, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जी, काइनेटिक एनर्जी दो एम। तो इसका मतलब हुआ जब काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक ये क्या जी सेम है और बोल रहा है काइनेटिक से, तो किसका संवेग ज्यादा होगा, तो संवेग ज्यादा किसका हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मास जिसका ज्यादा होगा उसका संवेग क्या हो जाएगा जी, ज्यादा हो गया। इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं ना, क्योंकि ये तो सेम है तो ये जिसका ज्यादा होगा वही तो इसका ज्यादा होगा, तो किसका जिसका मास ज्यादा उसका क्या होगा जी, संवेग ज्यादा होगा। किसका संवेग ज्यादा होता है, भारी वाले का ज्यादा होगा, कौन सा होगा, भारी वाले का ज्यादा होगा। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं। क्वेश्चन 58 बोला है आदर्श मशीन की दक्षता बराबर होती है, देखिए आदर्श मशीन की दक्षता क्या होती है जी, 100% होती है, दक्षता क्या होती है 100% होती है, याद रखिएगा। आइडियल केस लिया जाता है और उसकी क्या होती है दक्षता 100% होती है। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ आते हैं जी। 59 बोला है किसी बल द्वारा एक कण की एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच के मार्ग पर निर्भर नहीं करता, तो इस प्रकार बल को कहते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कहीं से वर्क किया जा रहा है जी, यहां से यहां वर्क किया गया, यहां से यहां अगर मान लीजिए हमको क्या करना है जी, वर्क करना है, क्या करना है हमको, वर्क करना है जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 का एक्सप्लेनेशन क्या है जी, अगर देखिए यहां से देखिए हमको क्या है जी, यहां से यहां कोई सामान ले जाना है यहां से यहां तक, तो हम या तो ऐसे ले जाएं, ऐसे ले जाएं या ऐसे जाकर ले जाएं, जैसे भी लेकर जाएंगे क्या होगा जी, ये पोटेंशियल एनर्जी है, यानी यहां से यहां जा रहे हैं तो क्या हो जाए, स्थिति ऊर्जा है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, केवल हाइट पर डिपेंड करता है, कितना हाइट है उसी के अनुसार आ जाता है। तो ये हाइट पर केवल डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, तो इसको क्या बोलते हैं जी, तो इसको संरक्षित बल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं जी, संरक्षित बल बोलते हैं। तो आपको आ जाएगा संरक्षित बल 59 का क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 60 क्वेश्चन नंबर क्या बोला है जी, एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा लगाया किया गया कार्य क्या होगा, एक बंद मार्ग है जी, देखिए क्या है जी, यानी क्लोज पाथ है, क्लोज पाथ पर किरण क्या हो जाएगा, तो उसके द्वारा जो काम किया जाएगा, देखिए यहां से स्टार्ट करेगा यहीं पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एच तो जीरो हो जाएगा ना, इस केस में एच जीरो हो गया, तो इसी केस में भी क्या हो जाएगा, वहीं पे तो एच जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो 60 का आंसर क्या हो जाना चाहिए जी, 60 का आंसर बी द्वारा न्यूनतम होगा, नहीं जी शून्य होगा, क्या हो जाएगा, शून्य होगा, 60 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, एक किलोवाट घंटा को क्या होता है जी, ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर जी, 1 किलोवाट आवर बताना है किसके बराबर होगा, जूल में, देखिए तो 1 किलो क्या लिख सकते हैं, 10^3 वाट आवर लिखना है जी, आवर देखिए अगर बात की जाए जूल जो है एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट में क्या होता है जी, तो वाट ही होता है, पावर के लिए वाट ही होता है, समय के लिए क्या होता है जी, तो सेकंड होता है, तो समय को हम क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो समय को सेकंड में, एक आवर को करेंगे तो क्या जाए, सेकंड में 60 × 60 क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, यानी इतना क्या हो जाएगा जी, तो ये जो आएगा यूनिट जूल में आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 3600 × 10^3 ये जीरो, तो ये कितना आ जाएगा, अब इसको करेंगे तो 3 × 5 = 6 यानी 3.6 × 10^3 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो 61 का क्या हो जाएगा, ये आंसर हो गया, ठीक है जी। तो देखिए इसको कैलकुलेशन कीजिए और आगे आपका ये आंसर हो गया, 10^3 कितना है जी, 5036 है ये आंसर। तो देख सकते हैं बहुत आसान है, बस उसको समझने की जरूरत है जी, लॉजिकल लॉजिक बिल्ड कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कार्य करने में मानव शरीर का प्रयुक्त ऊर्जा होता है, देखिए कार्य करने में मानव शरीर का प्रयुक्त ऊर्जा क्या होता है, स्थिर ऊर्जा है, वैद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, तो रासायनिक ऊर्जा का यूज करता है, कौन यूज करता है जी, कार्य करने मानव शरीर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा होती है। देखिए अब हो सकता है रसायन, देखिए कार्य करना है आदमी को तो कौन सा, हमारे अंदर जो केमिकल एनर्जी उसी का तो यूज करते हैं, लेकिन अब बात की जाए तो किसी न किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं गिराते हैं, तो देखना पड़ेगा कौन सा कंडीशन है, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, सी होना चाहिए। तो 63 का आते हैं क्वेश्चन, 60 एक हॉर्स पावर क्या होता है, 746 वाट होता है जी, इसको याद रखिएगा, 746 वाट होता है एक हॉर्स पावर,
क्या होता है 746 वाट होता है, इसको याद रखिएगा। देखिए कुछ जो हमने यूनिट एंड डायमेंशन में जो पढ़ाए थे आपको, उस समय याद रखिएगा कि 1 गैलन बराबर क्या होता है जी, सॉरी 1 बैरल बराबर क्या होता है 159 लीटर होता है, 1 गैलन बराबर क्या होता है जी, 1 गैलन बराबर क्या होता है 3.785 लीटर होता है। तो ये सब याद रखना पड़ेगा जी आपको, ठीक है ना। किलो मेगा आप यूनिट एंड डायमेंशन का जो चैप्टर है उसमें मैंने पढ़ाया यूनिट कन्वर्जन इधर से उधर, तो वही मेजरमेंट जो पार्ट है आपको वहीं से डिराइव होता है जी। चलिए जी अगले क्वेश्चन आते हैं 64 में क्या बोला, एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री बनता है तो किया गया कार्य। देखिए जी हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क बराबर क्या होता है जी Fs cos थीटा, तो cos 90 डिग्री पे क्या होता है जी 90 पे जीरो वैल्यू होता है, तो ये कुछ भी वैल्यू रहे जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ओवरऑल वर्क क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो 90 डिग्री पे जीरो क्या हो जाएगा जी वर्क क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा जी सी हो जाएगा। 65 क्वेश्चन का देखिए बोला है किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई उसके नए संवेग का मान क्या होगा जी। देखिए जी अब संवेग और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला अभी तो हम लोग पढ़े हैं, संवेग और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी बराबर P² / 2m, ठीक है जी। अब बोला है कि गतिज ऊर्जा क्या कर देंगे 4 गुनी करेंगे तो P² बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m। तो अब देखिए अब गतिज ऊर्जा को 4 गुनी किया है तो इसको 4 गुनी करेंगे, इसको 4 गुनी करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, इसके लिए तो ये P² होगा ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा रूट करना पड़ेगा, तो यानी क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि P² 4 गुना हुआ है, P² 4 गुना हुआ है तो P क्या हो जाएगा जी, इसको उधर रूट लेना पड़ेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, P क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। यहाँ से बोल सकते हैं डायरेक्ट, देखिए हमको क्वेश्चन बनाना नहीं, अगर क्वेश्चन हम बनाएंगे, देखिए क्वेश्चन अगर मान कर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा लेंदी होता जाएगा, और इसी तरह बनाएंगे तो क्या हो जाएगा सहूलियत होगा, तो 2 गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी, तो 2 गुना हो जाएगा। इसका आंसर 65 का आंसर हो जाएगा सी, 65 का आंसर सी है, आपको यहाँ पे 2 गुना दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं 65 से क्या है जी 2 गुना हो जाएगा, तो सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं, घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है। देखिए अब घर्षण कभी भी जब काम करता है क्या करता है, मोशन के अपोजिट में करता है, यानी जिधर फोर्स लगाएंगे, मान लीजिए अगर फोर्स इधर लगा रहे हैं, अगर कहीं फोर्स मान लीजिए वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का, तो फोर्स इधर लगा होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन हमेशा उल्टा ही लगेगा, फ्रिक्शन हमेशा क्या लगेगा उल्टा ही लगेगा, तो फ्रिक्शन उल्टा लगेगा कितना हो जाएगा हमेशा कार्य क्या होगा नेगेटिव होगा, यानी क्या हो जाएगा नेगेटिव होगा तो ऋणात्मक होगा, 66 का क्या हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा, 66 का आंसर ए आंसर होगा, बिल्कुल ए होगा जी, गलत दिया हुआ है बी आंसर दिया हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य, तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है जी पॉजिटिव होता है, अच्छा घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा धनात्मक होगा, आंसर दिखे क्वेश्चन के मैं बोला यहाँ फ्रिक्शन द्वारा किया गया कार्य क्या होगा जी निगेटिव होगा, लेकिन ये बोला है घर्षण के विरुद्ध, तो घर्षण के विरुद्ध जो कार्य किया गया क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है सही है जी, धनात्मक आंसर बी आंसर होगा 66 का। क्वेश्चन समझिएगा सी जी, 67 बोल रहा है जब दो लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराते हैं तो दोनों पिंड सिकुड़ने की प्रवृत्ति में होते हैं, संपर्क में आते विरुद्ध हो जाते हैं, दोनों पिंड दोबारा अपनी प्रारंभिक आकृति को प्राप्त करने के लिए हो जाते हैं जी। लोचदार है मतलब क्या है जी इलास्टिक है, इलास्टिक है मतलब क्या है जी दोनों पिंड अपनी प्रारंभिक आकृति के लिए शुरू हो जाते हैं, देखिए तो एक बार टकराएगा जैसे क्या है जी रबड़ है, तो क्या होता है उसको जब ऐसे स्ट्रेच करते हैं तो जाता है, फिर से उसको छोड़ते हैं तो क्या होता है अपनी प्रारंभिक स्थिति में जाता है ना, तो लोचदार है। वैसे ही ये भी बोल रहा है कि क्या है दो पिंड टकराए उसके बाद क्या हो जाएगा उसमें सिकुड़न हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा उसके बाद फिर से वो क्या हो जाएगा अपनी प्रारंभिक स्थिति में चल जाएगा जी, तो वही बोल रहा है दोनों पिंड आप प्रारंभिक आकृति को प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं, क्या होता है अपनी प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए क्या हो जाता है स्टार्ट हो जाते हैं जी, ताकि वो अपना प्रीवियस स्टेट गेन कर ले। रॉकेट डायरेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, रॉकेट किसके संदर्भ में करता है जी तो संवेग संरक्षण पर करता है। देखिए रॉकेट क्या होता है, रॉकेट ऐसे हो ऊपर चलता है, ठीक है जी रॉकेट उधर चलता है, इधर क्या होता है उसका स्मोक वगैरह निकलता है, स्मोक निकलता है तो ये स्मोक क्या होता है इसको पीछे की तरफ धक्का देता है, तो ये इसको एयर जो होता है क्या होता है ऊपर की तरफ धक्का देता है, तो ये हमारा रॉकेट का कंसेप्ट है, किसका कंसेप्ट है जी तो रॉकेट का है, तो संवेग संरक्षण पर काम करता है, तो आंसर 68 का आंसर डी हो जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 में देखिए क्या बोल रहा है, जब बल और विस्थापन दोनों सदिश हैं तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह होगा। देखिए देखिए वर्क बराबर क्या है जी, वर्क बराबर एफ क्रॉस एस है, फॉर्मूला होता है देखिए वर्क बराबर होता है एफ क्रॉस एस, जिसको लिखते हैं क्रॉस को क्या लिखते हैं वेक्टर, अगर पढ़े होंगे आपको पता होगा एफ एस कॉस थीटा, तो एफ एस कॉस थीटा देखिए तो वेक्टर क्वांटिटी क्या देता है स्केलर देता है, क्या देता है दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या मिलेगा जी
सॉरी ये डॉट प्रोडक्ट है, हम गलत बोले हैं, एफ डॉट एस होता है तो एफ एस कॉस थीटा होता है, ठीक है जी। तो डॉट डॉट क्या देता है, स्केलर क्वांटिटी देता है, तो हमारा वर्क जो आएगा क्या आ जाएगा, स्केलर आ जाएगा। अगर यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होता, अगर मान लीजिए ए क्रॉस बी रहता, ए क्रॉस बी, तो ए भी वेक्टर, ए भी वेक्टर है तो क्या जाएगा, वेक्टर देगा, लेकिन डॉट रहेगा तो क्या जाएगा जी, स्केलर देगा, तो इसी क्या जाएगा, स्केलर हो जाएगा। तो हमारा क्या होता है गति, यहाँ बोला है तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क क्या होगा जी, हमारा अदिश राशि होगा। आंसर 69 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, 69 का आंसर बी हो जाएगा जी। 70 में आते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है, तो अभी डिस्कस किए हैं जी। 70 का सी। 71 क्वेश्चन बोला है, एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग समान है, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। देखिए अब संवेग गतिज ऊर्जा का है तो फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। तो बोल रहा है कि गतिज, किसी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, संवेग समान है, यानी पी क्या है जी, समान है। तो पी क्या है, देखिए पी तो दोनों का समान है, तो काइनेटिक एनर्जी किसका, ये तो दोनों समान है, जिसका मास ज्यादा होगा, देखिए मास नीचे है ना जी, तो मास जिसका ज्यादा हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर देखिए क्या है, पी स्क्वायर अपॉन 2m है, यानी जिसका मास ज्यादा होगा, यानी मास ज्यादा होगा तो ज्यादा से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा जी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, तो जिसका मास ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बोला है किसका गतिज ऊर्जा अधिक होगा, तो गतिज ऊर्जा अधिक किसका होगा, गतिज ऊर्जा अगर ज्यादा रही है तो क्या जाएगा, मास कम चाहिए, तो मास किसका कम होगा, हल्का वाला का कम होगा, तो हल्के वाला क्या हो जाएगा जी, पिंड का हो जाएगा। तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, 71 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। तो देखिए इस सब क्वेश्चन को ध्यान रखिए, और क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं। एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है जी, किसका संवेग अधिक हुई। अब देखिए गतिज ऊर्जा समान है, अब संवेग के बारे में पूछा है, तो ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जी पहले ही, चलिए फिर से डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक हल्के भारी पिंड का गतिज ऊर्जा समान है जी, गतिज ऊर्जा समान है और संवेग के बारे में पूछ रहा है जी, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m, गतिज ऊर्जा समान है, संवेग के बारे में पूछ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 2 और m, ठीक है जी। तो अब बोल रहा है कि हल्के पिंड का गतिज ऊर्जा समान है, यानी काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो जिसका मास ज्यादा उसका संवेग क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, तो भारी का क्या हो जाएगा, संवेग क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, 72 का आंसर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है जी, एक ट्रक एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है, उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाता है तो कार ठहरने से पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगी, ट्रक करेगी। देखिए अब देखिए यहाँ पे जो है, एक ट्रक एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है, यानी दोनों का क्या है जी, समान गतिज ऊर्जा है। इस फॉर्मूला में देखिए पी स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी इनटू मास, काइनेटिक एनर्जी सेम है। अब जो है इसका मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा इसका मोमेंटम ज्यादा होगा, तो जिसका मास ज्यादा होगा यानी इसमें ट्रक और कार में किसका मास ज्यादा होगा, तो ट्रक में ज्यादा होगा जी, ट्रक का मास ज्यादा होगा तो इसका मोमेंटम ज्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा दूरी चलेगा। तो आंसर क्या होना चाहिए, 73 का, 73 का आंसर सी, दोनों ही ठहरने से पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे जी। बोला एक ट्रक एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है, उन्हें रोकने के लिए अगर उपयुक्त बल किया जाता है। अच्छा देखिए, अच्छा समान काइनेटिक एनर्जी है जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है जी, हाफ एम वी स्क्वायर है, सेम ये काइनेटिक एनर्जी है, तो इसको भी रोकने के लिए और उसको भी रोकने के लिए हाफ एम वन वी स्क्वायर एम टू वी टू स्क्वायर, देखिए इसमें भी एनर्जी है, इसमें भी, दोनों एनर्जी क्या है, बराबर है। तो इसको अगर इतना ही एनर्जी हमको काम करना पड़ेगा तो ही तो ये ब्लॉक रुकेगा, क्योंकि इसके पास जितना एनर्जी है उतना हमको वर्क करना पड़ेगा तो उसके बाद रुकेगा, इसके लिए हम भी हमको उतना ही वर्क करना पड़ेगा। तो बोल रहा है क्या जी, 73 का क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, दोनों को ठहरने के लिए एक समान दूरी तय करेगा जी, क्या करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स सेम है तो दोनों को क्या हो जाएगा जी, सेम दूरी चलेगा। चलिए तो ये आंसर हो जाएगा 73 का सी। तो चलिए अब बात करते हैं इसके आगे पीछे वाले क्वेश्चन का, जो आपको न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लेना बहुत जरूरी है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे, तो पहला क्वेश्चन है बोल रहा है कि, तो पहला क्वेश्चन है बोल रहा है यदि एक वस्तु 10 न्यूटन का बल 36 दिशा से 30 डिग्री आरोपित करता है तो विस्थापन 10 मीटर है, तो यदि बोल रहा है कि बल क्या है जी 10 न्यूटन का है, इसके बीच का एंगल क्या है जी, ये 10 न्यूटन का है, इसके बीच का एंगल 30 डिग्री है और ये 10 मीटर चलता है जी, ये एफ है और एस है, ठीक है जी। तो ये देखिए अब इस क्वेश्चन में वर्क बराबर क्या होता है जी, एफ एस कॉस थीटा होता है, तो एफ हमको पता है 10 न्यूटन का, एस क्या है जी 10 है, और कॉस 30 बराबर क्या होता है, कॉस 30 बराबर √3/2 होता है, तो 10 गुने 10 क्या हो जाएगा 5, 50 √3 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 50 √3, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए,
क्वेश्चन नंबर टू की बात की जाए तो क्या है जी, बोला यदि किसी वस्तु पे 5 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है और वस्तु की बल की दिशा में 10 मीटर विस्थापित होता है तो किया कार्य। अब देखिए बल की दिशा में किया जाए तो थीटा क्या है जी, बल की दिशा में किया जाए तो थीटा जीरो है, तो वर्क बराबर क्या इसमें क्या था, थीटा की वैल्यू जीरो था तो इसमें वैल्यू क्या हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा जीरो है तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस जीरो क्या होता है जी, तो कॉस जीरो आपको 1 होता है, तो यानी 1 गुने एफ की वैल्यू क्या है जी 5 न्यूटन दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया, विस्थापन 10 दिया है तो क्या हो जाएगा 50 जूल हो जाएगा जी। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, क्योंकि देखिए सारा वैल्यू एसआई यूनिट में रखना है तो सारा ऑप्शन किसमें आएगा जी, एसआई यूनिट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, बोला यदि किसी वस्तु का वेग 4 गुना कर दिया जाए तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। देखिए वेग को 4 गुना करना है तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा जी, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो वेग को 4 गुना करना है तो वी को, यानी वी क्या है स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी तो 16 गुना हो जाएगा। अगर पूछा जाए देखिए गतिज ऊर्जा कितनी गुना बढ़ जाएगी तो 16 गुना तो हुआ था और 1 गुना ऑलरेडी पहले तो था ना जी, कोई भी अपने आप में 1 गुना होता है, तो कितना गुना बढ़ा है 15 गुना बढ़ा है, तो 15 गुना बढ़ा है क्या जी, आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। लेकिन अगर पूछता कितना गुना हो गया है तो 16 गुना हो गया जी। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा इसी दोनों बात पे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बोला है यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में 44% की वृद्धि हो जाए द्रव्यमान स्थिर रहे तो संवेग कितना परसेंट बढ़ा। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, बोल रहा है गतिज ऊर्जा कितना बढ़ा है जी, तो 44% बढ़ा है, तो देखिए पहले अपने आप में कोई भी चीज 100% होता है और बढ़ के क्या हो गया जी 44% बढ़ा है तो क्या हो जाएगा 144% अपने आप का हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी जी, नई काइनेटिक एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी डैश बराबर क्या हो जाएगी 144 क्या हो जाएगी 144% ऑफ क्या हो जाएगी जो पहले काइनेटिक एनर्जी थे, मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी जो पहले थी उसका हो गया तो 144% मतलब क्या हो जाएगा 1.44/100 करेंगे ना जी, तो काइनेटिक एनर्जी जो ओरिजिनल थी अब जो नया काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा जी? उसका उस नया काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 1.44 पुराने वाले काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा जी। तो अब यहां से देख सकते हैं, अब बोल रहा है कि द्रव्यमान स्थिर रहे तो संवेग में कितना परिवर्तन होगा। अच्छा जी, तो संवेग में बताना है तो पी स्क्वायर बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है जी पी स्क्वायर अपॉन 2m। हमको संवेग के बारे में बताना है तो पी स्क्वायर आपको हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई 2m। ठीक है जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना गुना हुआ है पहले से, तो पहले से मास तो सेम है तो ये तो चेंज नहीं होगा, यही चेंज होगा तो ये चेंज होगा तो क्या हो जाएगा 1.44 हुआ है जी, 1.44 हुआ है तो पी स्क्वायर जो है 1.44 हुआ है तो पी कितना हो जाएगा जी 1.2 हो जाएगा, ये बार बार 144 है तो 1.2 हो जाएगा, यानी अगर पहले जो भी मोमेंटम था उसका क्या हो गया जी 1/2 गुना हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ा है ये 1/2 हुआ है तो कितना बढ़ा है जी, एक पहले एक था तो अब 1.2 हो गया तो कितना बढ़ा है 20% बढ़ा है ना, 20% बढ़ा है, यहां से देख सकते हैं जी एक का अगर 1.2 हुआ है तो कितना बढ़ा है 20% बढ़ा है। अगर 20% निकालना है तो देखिए कैसे निकालेंगे 0.2/1 क्या करेंगे गुना 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20% आ जाएगा। देखिए परसेंटेज निकालना मुझे आता है, आप लोग मैं यकीन कर रहा हूं कि आपको आता है जी, तो यहां आप निकाल लीजिएगा। देखिए पहले जो पी था अब जो पी डैश आया क्या है जी वो 1.2 गुना आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं जी, तो ये देखिए इसमें बहुत बड़ा सा बना रखा है, उसको हम लोग पढ़ने जाएंगे तो पढ़ते रह जाएंगे जी। आप लोगों ने मैथ अगर पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये डाउट होगा जी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बोल रहे हैं, एक 2 न्यूटन संवेग वाले और 3 kg द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा बताना है, संवेग दिया हुआ है मास दिया हुआ जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो संवेग दिया है 2 न्यूटन संवेग वाले, तो 2n संवेग दिया है जी अपॉन 3 kg, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 3 kg 2 × 3 तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, कितना है जूल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है तो जूल होता है, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल होता है। देखिए काइनेटिक एनर्जी का पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2m के वैल्यू क्या है 3 kg दिया है, सॉल्व करिएगा क्या जाएगा 2/3 जूल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या पूछ रहा है, यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है, बोल रहा है यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का क्या है जी 1/3 कर दिया जाएगा, यानी वेलोसिटी जो है 1/3 ओरिजिनल वेलोसिटी जो थी उसका हो गया है, ठीक है ना,
कर्ण का काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए अब वी जो है क्या है, स्क्वायर है, तो अब जो है ओरिजिनल का क्या हो गया, ये वन थर्ड हो गया है, तो ये वी स्क्वायर करेंगे तो वन थर्ड का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, एक बट्टा नौ हो जाएगा। तो पहले जो इतना थी उसकी क्या हो गया जी, एक बट्टा नौ गुनी हो गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारा बना रखा है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस समझिए कौन सा चेंज हो रहा है, केवल जो चेंज हो रहा है उसको करेंगे, जो नहीं चेंज हो रहा है उसको चेंज ही नहीं करेंगे। देखिए एक लोग समझिए, जो भी हम अभी क्वेश्चन बना रहे हैं चेंजेबल वाले, जो चेंज हो रहा है उसको चेंज करेंगे, जो कॉन्स्टेंट है उसको कॉन्स्टेंट रहने दे रहे हैं और उसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, लीनियर है तो लीनियर करेंगे जी। देखिएगा ये आप लोग समझ लीजिएगा, जो स्क्वायर है, जैसे यहाँ पर वेलोसिटी में क्या है, वेलोसिटी में क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर किया था। अगर मास का चेंज करना होता तो मास में नहीं करते, मास को डायरेक्ट नहीं रखते, क्योंकि मास का पावर क्या है जी, एक है, लेकिन वेलोसिटी का पावर दो है। अगर मान लीजिए वॉल्यूम है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एक ही होता है। अगर कहा जाता है कि वॉल्यूम साइड क्या आ गया, भुजा क्या गया, वन थर्ड कर दिया गया, तो क्या करते हैं, क्यूब करते तो क्या हो जाएगा, एक बट्टा सत्ताईस हो जाता है। जो पहले वॉल्यूम था उसका क्या जाता है, एक बटा सत्ताईस हो जाता है। देखिए कितना सिंपल है बनाना उसी क्वेश्चन को, और उसी क्वेश्चन को अब लेंदी बनेगा, ये देखिए सोल्व कर दिया कितना बड़ा सोल्व किया गया। तो ऐसे बनाने से देखिए वही है जो सामने पढ़ाया जाता है उसमें, और ऐसे पढ़ाया जाता है उसमें बहुत फर्क हो जाता है जी। और यही रीजन है कि मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि इस किताब में बहुत सारी गलतियां हैं, उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। और मैं ऐसे बुक से ही पढ़ाता हूँ जनरली, आप जो भी वीडियो हम देखिएगा उसको बुक से ही पढ़ाता हूँ। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अब तक जो भी नए व्यूवर्स हैं, प्लीज जो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी रिकमेंड करें, ताकि वो भी इस नॉलेज का फायदा उठा सके। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें जी, और इस वीडियो का हम लोग लाइक कर रखते हैं, 500 लाइक रखते हैं जी। तो चलिए अगर आपने, इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले मैंने करंट अफेयर के प्लेलिस्ट बना रखे हैं, आप करंट अफेयर देखिए, उसमें करंट अफेयर में आपको भी पता है कि जो ग्रुप डी एएलपी और टेक्नीशियन में आया है उसका डिस्कशन होता है जी वहां पे, तो आप देख सकते हैं उन सबको। उसके अलावा बात की जाए तो, और करंट अफेयर का लिस्ट प्लेलिस्ट बन चुका है। आप करंट अफेयर में बात की जाए तो यूपी का जो एग्जाम हुआ है, हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ है, जो यूपी का फॉरेस्ट गार्ड का हुआ है उसका क्वेश्चन जो आया है करंट अफेयर, मैंने सारे डीएसएसबी का जो क्वेश्चन है, करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैंने सारे उसमें डिस्कस किए हैं, और वो चल रहा है। आप वो सीरीज देखें जो एस नाम के सीरीज से चल रहा होगा, ये जो है आपको टेस्ट नाम से चल रहा है, टी सीरीज के नाम से चल रहा है। तो अलग अलग जो टॉपिक्स हैं अलग अलग टेस्ट सीरीज से चल रहे हैं, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के नाम से ही है जी। और बात की जाए कि इलेक्ट्रीशियन का, तो इलेक्ट्रिसिटी नाम से बन गया, वो एक्चुअली इलेक्ट्रीशियन का प्लेलिस्ट है, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप सभी को अलग अलग प्लेलिस्ट से अलग अलग जाकर देख सकते हैं जी। बात की जाए तो आपको CBT 2 में जिसका मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा है, ठीक है, तो उसके लिए सब अब मेन मायने रखता है जी CBT 2 के, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के। तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, क्योंकि आपको भी पता है करंट अफेयर तो 10 मार्क्स है, तो करंट अफेयर 10 मार्क्स में सभी कोई 2-3 तो बना ही लेंगे, 4-5 बना ही लेंगे, जो ज्यादा पढ़ेगा वो ज्यादा से ज्यादा 6 बनाएगा, 5 से ज्यादा किसी से बनने वाला नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा मैटर क्या करता है जी, तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग मैटर करता है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाएं और इससे कोशिश करें कि आप सारे का सारा क्वेश्चन बनाए जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि 1 ग्राम और 4 ग्राम के द्रव्यमान के 2 वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही है, तो रेखीय वेग का परिमाण का अनुपात क्या होगा। चलिए गतिज ऊर्जा का काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए अब 1 ग्राम 2 ग्राम द्रव्यमान के 2 वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा क्या है जी, बराबर है, तो इसका मतलब क्या है जी, हाफ एम वन वी स्क्वायर ये पहला का है, और दूसरा का हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, गतिज ऊर्जा बराबर है, तो बराबर हमने कर दिया। अब बोल रहा है और उसका द्रव्यमान क्या है जी, द्रव्यमान 1 और 4 है, ठीक है जी, तो रख लेते हैं हाफ 1 ग्राम वी स्क्वायर, हाफ 4 ग्राम वी टू स्क्वायर, तो यहां से हाफ कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। तो अब देखिए V1/V2 क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर 4, तो क्या हो जाएगा, इसका अगर रूट लेंगे V1/V2 क्या हो जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा। तो वेग का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगर हमारे तरीके से बनाएगा इसी क्वेश्चन को, देखिए तो हमारे तरीके से बनाएगा, देखिए क्या है जी, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, ठीक है जी। अब देखिए अगर मास का जो एनर्जी तो सेम हो गया, इधर सेम हो गया, अब देखिए अगर मास का रेशियो एक, देखिए तो ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा जी, काइनेटिक एनर्जी ऊपर 2 चल जाएगा बटा मास चल जाएगा,
तो जो काइनेटिक एनर्जी सेम है मास क्या है जी, तो मास का जो ऑपोजिट होगा, मास का ऑपोजिट होगा उसका क्या करेंगे, ये वी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर मास क्या है जी, एक और चार है, तो एक और चार का ऑपोजिट कर देते हैं मास एक और चार, तो क्या हो जाएगा चार हो जाएगा वी स्क्वायर, और वी का रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा दो हो जाएगा, दो अनुपात। तो इस तरह भी बना सकते हैं जी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं एट, एट नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जी, क्वेश्चन नंबर एट में देखिए क्या हुआ है। 20 ग्राम के एक पिंड के भूमि को भूमि के ऊपर एक मीटर की ऊंचाई तक ले जाने हेतु किया गया है, तो क्या हो जाएगा एमजीएच। मैं बताऊं ऐसा क्वेश्चन जो है आपको, ऐसा क्वेश्चन खूब आया है आपको ग्रुप डी में एएलपी में बहुत आया। तो एमजीएच फॉर्मूला होता है, एम क्या है जी 20 केजी है, जी का मान क्या होता है 10 रख लेते हैं, एच क्या होता है जी एक मीटर दिया हुआ एच दिया है, तो क्या हो जाएगा 200 जूल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर एट का सी हो जाएगा। देखिए सारे वैल्यू याद रखिएगा, सारे वैल्यू हम किस में रखेंगे जी, तो एसआई यूनिट में रखेंगे, और सारे वैल्यू एसआई यूनिट में रखेंगे तो हमारी सारी कोई भी परेशानी नहीं होगी जी। क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या बोला है कि 20 न्यूटन का बल 4 केजी के पिंड पर कार्य करता है, तो उसमें उत्पन्न त्वरण देखिए जी F बराबर दिया। ऐसा भी क्वेश्चन खूब आया आपको, खूब आया जी, मैं बताऊंगा आपको ऐसा आपको ग्रुप डी में भी आया है, ईएलपी टेक्निशियन में आया था। एम क्या है जी 4 केजी है, फोर्स कितना है जी 20 केजी, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो F बराबर क्या होता है एम में होता है, F बराबर क्या होता है एम में, तो F क्या है जी 20 है, एम क्या है 4 केजी है, एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या हो जाएगा जी 5, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, एक बराबर क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट याद रखिएगा, एसआई यूनिट में वैल्यू पुट कीजिए, एसआई यूनिट में आंसर निकालिए, आपको सारे प्रॉब्लम क्या हो जाएंगे सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं जी 10 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है जी, 5 मीटर की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा इतने जूल है, तो कण का द्रव्यमान क्या होगा जी, 5 मीटर की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा इतने जूल है, यानी वेलोसिटी दिया हुआ है जी 5 मीटर पर सेकंड, गतिशील एक कण की ऊर्जा दिया है, काइनेटिक एनर्जी क्या दिया है जी 125 जूल दिया है, तो कण का द्रव्यमान बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी 125 है, हाफ एम निकालना है, वेलोसिटी क्या है जी 5 का स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा 250/25, तो एम एम क्या हो जाएगा तो 10 केजी आ जाएगा, यहां से सॉल्व कर दीजिए 10 केजी आ जाएगा, 10 केजी आंसर है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है जी, बोला यदि किसी कण का रैखिक संवेग दोगुना कर दिया जाए, रैखिक संवेग का किया जाए दोगुना कर दिया उसका गति जुड़ जाए। देखिए अब तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है जी पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है, पी स्क्वायर अपॉन क्या होता है 2m होता है। तो बोला यदि कण का रैखिक संवेग दोगुना कर दिया, यानी रैखिक संवेग यानी ये पी दोगुना करना है, तो उसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, मास में कोई चेंजिंग नहीं किया जाए तो बताइए, इसको अगर दोगुना करेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा जी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 गुनी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन को ज्यादा बनाना नहीं है, क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन का पावर समझिएगा, क्वेश्चन में जो भी पावर है उसको सॉल्व कीजिए और आप इससे सीख सकते हैं जी। बात की जाए क्वेश्चन नंबर जो 12 बना देते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 13 है आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा जी। बोला है 1 केजी की राशि का वजन बताइए, 1 केजी की राशि का वजन बताना है, तो वजन क्या होता है जी फोर्स का जो वैल्यू आता है, तो F बराबर क्या होता है एम जी, एम क्या है जी 1 केजी है, जी के वैल्यू क्या होता है 9.8 लिया गया है, क्योंकि ऑप्शन से हमको पता चल रहा है कि 9.8 लेना है। देखिए यही बात है मैं बता रहा हूँ कि 10 लेना है कि 9.8 लेना है कि 9 लेना है, हमको क्या लेना है ये हमको कब पता चलता है, हम डाटा याद किए हैं कि जी की वैल्यू क्या होती है जी 10 होती है या 9.8 होती है, लेकिन मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट है, तो लेकिन हमको लेना क्या है हमको पता चलेगा ऑप्शन देखने से, तो यहाँ पे 9.8 लेना है जी, ये हमको ऑप्शन से पता चल रहा है, ठीक है ना। तो हम मुझे लगता है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, जो भी आप मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे सारे आप लोग समझ गए होंगे, जो भी नए व्यूअर्स मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि जाकर पहले सारे चैप्टर्स के मैंने वीडियो बना रखे हैं उस चैप्टर को पहले देखिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन लगेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का है जो आपको होमवर्क दे रहा हूं, और इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मेरा मानना है कि अगर कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या गेन करेंगे जी। तो चलिए बस आज के लिए इतना है, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक